वहीं मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के बजट को लेकर आज विधानसभा के बाहर विपक्षी दल ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि दरअसल विपक्षी दल का कहना है कि सरकार की तिजोरी खाली है, फिर भी जनता को लुभाने के लिए शिंदे सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की है। वहीं आपको बता दें कि इसके तहत ही एनसीपी नेता शरद पवार ने भी शिंदे सरकार के बजट का विरोध किया। वहीं एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा कि सरकार के पास 70 रुपए और 100 रुपए सरकार खर्च करेगी, 30 रुपए सरकार कहां से लाएगी। मुंबई से मंगला बागी की खास रिपोर्ट। देखो, इस बजट में आम आदमी का आवाज, आम आदमी के इच्छाओं को पूरा करने का काम इस अर्थसंकल्प में होगा। हमने अमृत महोत्सवी वर्ष स्वाधीनता का पूरा किया, यह वर्ष संविधान का अमृत महोत्सवी वर्ष। तो संविधान में डायरेक्टिव्स में बड़े स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति या परिवार की गलती ना होते हुए भी अगर उनके जीवन में समस्या है तो वो सुलझाने के लिए सरकार काम करे। आज जो निर्णय किए गए हैं, 2,48,00,000 हमारे बहनों के खातों में 1,500 रुपए मासिक नियमित जाएगा। जो हमारे किसान है, 40,00,000 से ज्यादा 14,700 करोड़ के बिजली का उन्हें छूट देकर किसानों को न्याय दिया। युवाओं के लिए 10,00,000 युवा जो पदवी का ले चुके हैं उनको 10,000 रुपए महीना ये अप्रेंटिस करते हुए और नया स्किल प्राप्त करते हुए उन्हें 10,000 रुपए महीना प्राप्त होगा। उसके लिए 10,000 करोड़ का आवंटन किया है। 3 गैस सिलेंडर हमने मुफ्त दिए हैं हमारे गरीब महिलाओं के लिए। किसानों के लिए हमने बहुत सारी योजनाओं को यहाँ पे प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूँ कि ये अर्थसंकल्प पूरी शक्ति के साथ जनहित के लिए और छत्रपति शिवाजी महाराज के रहतेच राज्य इस संकल्प को साकार करने वाला है अर्थसंकल्प। देखो, जब विपक्ष जाति जाति में जर फैलाते हुए खटाखट 8,500 रुपए देने की बात करता है तो वो क्या गाजर है? वो अपने आप के बारे में ऐसी बातें करते। देखो, उनके जीवन में कभी उन्होंने कोई वायदा पूरा नहीं, लोगों को फंसाने का, लोगों के सामने झूठ प्रस्तुत करने का, मायावी रूप लेकर फंसाने का। जोसेफ गोबेल्स नाम का दुनिया का सबसे झूठ बोलने वाला आदमी था, ये उसके भी आगे निकल गए। और आज उनको हमारे बजट के बाद ये मन में डर है कि उनके यहाँ पे इतने ही मुख्यमंत्री बने हैं, ही मंत्री बने हैं, ई का अर्थ इच्छुक, अब उनके सपनों का चकनाचूर हो जाएगा। ये डर से ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बातें करना।